डिस्कशन प्रोफेसर मनोज कुमार झा। मनोज जी प्लीज बैठ के भी बोल सकते, खड़े होकर भी बोल सकते। सर खड़ा होना चाहूंगा पीठ के सामने, खड़े हो जाइए। शुक्रिया सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, दिक्कत यह है कि उनसे जिनसे होती है इंसान को हमेशा तकलीफ, वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, एक पंचतंत्र में कहानी है, चित्ररथ नाम के राजा हुआ करते थे। उनके पास एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में सर छोटे छोटे खूबसूरत हंस बहुत सारे थे। वो 6 महीने पे एक पंख गिराते थे और राजा को पंख दे देते थे। बीच में एक सोने का, तथाकथित सोने का के पंख वाला एक बहुत बड़ा पक्षी आया। उसने कहा मैं इस सरोवर में रहूंगा। छोटे पक्षियों ने कहा कि महाराज जी, तो हम सरकार को राजा को देते हैं अपना पंख 6 महीने पे, आपके लिए यहां गुंजाइश नहीं है। वो सोने के तथाकथित पंख वाला पक्षी वो पहुंच गया राजा के पास। उसके सिपाह सलारों को कहा कि देखो, ये तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं और कब्जा करके बैठे हुए हैं सरोवर पे। राजा ने अपने सिपाही भिजवा दिए, सारे हंस मार दिए सर, और वो जो सोने के तथाकथित पक्षी, बड़ा विशाल पक्षी था सर, वो भी उड़ गया। मैं इसका संदर्भ छोड़ता हूं अपनी सरकार पर, सत्ता प्रतिष्ठान पर। अभी जमेगा, इंतजार करिए, अभी जमेगा। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि दूध में जोड़न ढंग से पड़े तो दही बढ़िया जमता, अभी जोड़न डाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस कथन को चंद खंडों में रखूंगा। पहला खंड होगा कि महामहिम के अभिभाषण का संदर्भ, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। दूसरा, लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका होती है। तीसरा, पीसफुल असेंबली के साथ कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क कैसे डील करे। चौथा, आंदोलनों के और लॉ मेकिंग के बीच का क्या ताल्लुक है। और पांचवा, कि रिप्रेशन की कहां तक इंतहा होती है। सर, लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बारे में हम सब जानते हैं, चौथे स्तंभ के बारे में तो मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर वैसे आपके दोस्त हों जिस चौथे स्तंभ पर के एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो दोस्त ही आपका काम तमाम कर देंगे। वो क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हो, लोग संकट में हो, लोगों की मौत हो रही हो, और शाम में चलाएंगे खालिस्तानी एंगल ऑफ किसान आंदोलन। सर, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है। हम सब सर, आप तो सक्रिय राजनीति में थे सर, सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, हमने हजारों लाखों जाने गंवाई। कुछ तो सीखें इतिहास से, इतिहास दोहराता नहीं है लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाह रहे। शाम ढले, खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दंभ से देखे, गुरूर से देखे। दंभ और गुरूर लोकतंत्र की जुबान नहीं है। सर, आप अक्सर, आप लोग कहते हो, आपके आप बहुत लोग नहीं, कुछ आपके मंत्रीगण हैं, माननीय सभापति महोदय, वो 303 कहते हैं कि 303 का आंकड़ा है। सभापति महोदय, इस सदन ने, इतिहास ने इससे बड़े आंकड़े देखे हैं, कहां बिला गए, कहां गुम हो गए, किसी को पता नहीं। आंकड़े नहीं इतिहास तय करते हैं, आंकड़ों के पीछे की संजीदगी और संवेदना इतिहास तय करती है। आपका हाई पॉइंट क्या है, आपका लो पॉइंट क्या है, आप फेल हो रहे हैं उसमें। और लाइटर मैन में कहूं, 303 नाम का एक राइफल हुआ करता था सर, उसकी सर्विस समाप्त हो गई है।
303 उसकी सर्विस समाप्त हो गई है। सर मैं एक चीज और कह करके फिर मूल बिंदु पे आऊंगा। मैकबेथ से बहुत चीज हम सीखते हैं। शेक्सपियर ने ना जाने अद्भुत चीज लिख दी है। टेम्परेंस बहुत जरूरी है सत्ता प्रतिष्ठान में। कद तब बढ़ता है जब पद की गरिमा को आप समझते हैं। बाउंडलेस इनटेम्परेंस इन नेचर इज टिरानी। इट हैज बीन द अनटाइमली एम्प्टीइंग ऑफ हैप्पी थ्रोन एंड फॉल ऑफ मेनी किंग्स। इनटेम्परेंस अगर आपके स्वभाव में आ जाए तो सर इसने कितने सिंहासन खाली करवा दिए, कितने राजाओं की घर वापसी करवा दी। थोड़ा सनद रहे, थोड़ा ध्यान रहे। माननीय सभापति महोदय, एक हल्के स्वर में एक बात कहना चाहता हूं। सेंट्रल हॉल का जिक्र जयराम रमेश जी कर रहे थे, वहां जब बैठता हूं ना तो दल से ऊपर लोग सोचते हैं। कई हमारे भाजपा के मित्रों ने पूछा कि क्या इस आंदोलन का स्वरूप क्या है, कैसे खत्म होगा। दिक्कत है कि सेंट्रल हॉल में तो आप पूछ लेते हैं, सदन में आप जुबान नहीं खोलना चाहते। मैंने पिछली बार जब यह बिल आया था कहा था कि दलों के दायरे और उस विप से ऊपर निकल करके देखिए, किसान देख रहा क्योंकि उसने विप जारी कर दिया है और उसके विप को अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं। लोकतंत्र में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र की अद्भुत कला होनी चाहिए। आप सुनाने में यकीन करने लगे हैं, सुनना आप भूल गए हैं, खास करके इस टर्म में तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। एनीवे सर, माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। हम सब जानते हैं कि सरकार स्क्रिप्ट तैयार करती है। बीते 29 जनवरी को जब महामहिम का अभिभाषण हुआ था, हम में से 19 दलों ने उसमें शिरकत नहीं की थी। माफी के साथ कहता हूं, कष्ट भी हुआ था क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ओकेजन होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जब समकालीन यथार्थ से, दुख और दर्द से, रंजो गम से मीलों दूर खड़ा हो तो कैसे शामिल हो जाए माननीय सभापति महोदय? बड़ी मुश्किल होती है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, और ये तो तीन महत्वपूर्ण केंद्र हैं छोटे छोटे हलकों में। अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और पूरे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर के मानव श्रृंखला बनाई, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्निंग हो रही है। और इस चर्निंग के पीछे का साक्ष्य क्या है? प्लीज, मैं एक आग्रह करूंगा सभापति महोदय, मैंने आज तक अपने सदन में कभी भी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं की है, तो सदन की बहस में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बस इतना आग्रह है। सर हमने तो वो इतिहास भी देखा है कि एक पार्टी जो 2 सीट पर सिमट गई थी वो कहां पहुंच गई आज, इसलिए ये इस चक्कर में ना पड़ा जाए। एनीवे सर, महामहिम के अभिभाषण को पढ़ने के बाद पहला ख्याल आया कि कहीं पर कहूं या अन कहीं पर बोलूं। जो कही गई बात, अब उसके बारे में मैं थोड़ा पहली चीज एक कहता हूं। माई गवर्नमेंट होल्ड्स इन हाई स्टीम द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संभवतः पेज 7 पैरा 25 होना चाहिए, मेरी मेमोरी अगर सर्व करती है सही। यस, पैरा 25। अब इसको सर व्यापक संदर्भ में देखना होगा कि माई गवर्नमेंट वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हाल के दिनों में जो भी देखे हैं वो संविधान से इतर देखा है। और वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी सर सिर्फ एक रेटोरिकल वैल्यू नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कोट करना चाहता था लेकिन आगे रखा था, लेकिन अभी जहन में आ गया। रिसेंटली यू हैव सेड नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म इज नॉट सिंपली स्लोगन ईयरिंग, भारत माता की जय, जय हिंद या जनगणमन। नो सर, द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म इज स्पीक अबाउट द वेल बींग ऑफ द नेशन, and that does not mean that I should stand in the orchestra party of the government forever and always. You have not done it when you were in a position. We shall not do it when we are in a position. We'll support you. Samalochana karenge. Lekin aap ye nahi ummeed karenge ki aapke khilaf ka har ek shabd, har ek lafz
देशद्रोही है। मैंने पहले सदन में कहा था सर एक मशीन बनवाइए, कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, एक मशीन बनवाइए कि किसके अंदर देशभक्ति का पारा कितना है। सर हो सकता है आपको झटका लग जाए, देशभक्ति स्लीव पे नहीं चलती है, यहां रहती है दिल में, उसका सीने से कम ताल्लुक। एनीवे सर, मैं आपको इसलिए कोट किया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज सर, अभी बंगाल में चुनाव है तो पेज नंबर 26 पैरा 91 गुरुदेव के बड़े भाई का जिक्र हुआ, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। चौल रे चौल शोभे भारतो संतान, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद जोड़ दीजिए गुरुदेव की अपनी लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, कहां है? दोनों को जोड़ के देखिए। ये चेरी पिकिंग नहीं चलती है डेमोक्रेसी में, आप चेरी पिकिंग के उस्ताद हो गए। चेरी पिकिंग मैं समझता हूं सर, माननीय सभापति महोदय, आंदोलन लोकतंत्र की जीवंतता का उदाहरण होता है। जिंदा लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र आंदोलन के साथ सदैव निरंतर संवाद की कोशिश करता है। सर एक आशय मैं यहां रखना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस विभाग में मैं पढ़ाता हूं एक विषय मेरा मूवमेंट भी है। सर बहुत सालों से पढ़ाया है आंदोलन। आंदोलन की सर तीन चीज होती है महत्वपूर्ण, एलिनेशन अट्रैक्शन कन्वर्जन, यानी कि अलगाव की चीज कहीं आई, उसके बाद आपका आकर्षण हुआ किसी विचारधारा से, उसके बाद आप सड़कों पे आए। सर हमने आंदोलनों को न जाने किस नजरिए से देखना शुरू किया है। महोदय माननीय सभापति महोदय आपने भी देखा होगा, वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी है। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपने अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े एंगल लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। इतना मजबूत लोकतंत्र है सर, मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर आपके दौर में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ होता, इस सदन में अभी कई लोग हैं जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, इंक्लूडिंग सभापति महोदय। जेपी के आंदोलन की कल्पना करिए, अगर जेपी को इन खाई बाड़ों कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर? कई मित्र हमारे बिहार से भी हैं जो जेपी आंदोलन से निकले, एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है? आप कहिएगा नहीं। सर मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं, आप कहते हैं 11 दौर की बातचीत हुई है, दिक्कत क्या है ना सर, किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान में एकालाप और वार्तालाप का फर्क समझना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग। आपके साथ दिक्कत है कि आप मोनोलॉग को डायलॉग का कपड़ा पहनाते हैं। ऊपर से मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुना जो वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। सर लोकतंत्र में खैरात की जुबान नहीं होती है, आप देने वाले कौन होते हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? अरे दे तो वो रहे हैं, 303 का आंकड़ा उन्होंने ही दिया आपको, और आगे के 3 और 0 कब उड़ा जाए ये भी वही तय कर देंगे। इसलिए ये जुबान बंद करिए, एकालाप और वार्तालाप के बीच की दूरी को खत्म करिए। सर मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, देश सिर्फ सेना पुलिस के जवान जनगण मन वंदे मातरम नहीं है, देश रिश्तों से बनता है सर। और आपने रिश्तों को रिसा दिया है, रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है, आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए।
अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो, आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। सीएए का आंदोलन हुआ, नागरिकों को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तो कमाल है, मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। इन इलाकों से, जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है और एक बच्चा खेत में रहता है। आप इन बच्चों को वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, आपने उन्हें भिरा दिया। कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, अवतार सिंह पाश की एक कविता कहूंगा, यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर जिंदा होने, जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए। कितना वक्त है सर? नहीं, आपका 18 मिनट अलॉटेड टाइम है जी, आपने ऑलरेडी 17 मिनट्स दिया। ओ सर सॉरी, दो मिनट दे दीजिए, बस दो मिनट दीजिए। जी सर, आंख की पुतली में हांक के सिवा कोई शब्द ना हो, आपको सिर्फ हां चाहिए आंख की पुतली में, चाहे वो कितनों भी अश्लील हो, पाश कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और मन बदकार पलों के समक्ष हमेशा झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है, देश को अपनी सुरक्षा से खतरा नहीं। ये फर्क आपको समझना होगा। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का प्रयोग मैं, आपने किसान को लेकर के जितनी बातें कही उस पर, उन बिलों के बारे में पहले मैं बोल चुका हूं पिछले सत्र में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में एमएसपी 2006 में खत्म की गई। बिहार के किसान की आय के बारे में आपको मैं आंकड़ा दूं उचित नहीं होगा, आपके पास आंकड़ों का भंडार है, आप तो आंकड़े तैयार कर लेते हैं, बल्कि कभी कभी पका भी लेते हैं प्रेशर कुकर में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बिहार के मॉडल को, हम तो सोच रहे थे कि बिहार को, आप ही की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, बीती कई सरकारों ने बिहार को लेबर सप्लाई का स्टेट बना के रख दिया है, हमारा काम है मजदूर भेजना पूरे देश में, और हमने कोरोना के काल में वो सब देखा। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिहार का किसान, हालांकि किसान नहीं रहा वो, खेतीहर मजदूर हो गया, हम सोच रहे थे कि उन्हें भी पंजाब हरियाणा की तरह। सर आपने क्या किया, वो मॉडल आप चाह रहे हैं पंजाब हरियाणा में बिहार की तरह हालात हो जाए। कभी कभी मुझे इस बात का अंदेशा होता है कि संसद का भी वर्ग चरित्र बदल गया है। अभी संसद में किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग अगर होते, आप इतनी आसानी से बुलडोज नहीं कर पाते। मेरे स्वयं के नेता, कई मसले ऐसे आए, लालू प्रसाद जी, उन्होंने यह तय किया, और आपके भी लोग थे, आप उनको भूल चुके हैं, जिन लोगों ने खड़ा होकर के कहा कि यह हम नहीं होने देंगे। सर अभी भी आपकी रीढ़ किसान और किसानी ही है। ये जो 303 का आंकड़ा आ रहा है ना सर, किसी के कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रहा है, किसी के गोडाउन से नहीं आ रहा है। 303 के आंकड़े को एक बार सर, और मैं इससे पहले कि जय हिंद कहूं, मैं माननीय सभापति महोदय अभी भी हाथ जोड़ के सरकार से आग्रह करूंगा, इतिहास में से क्षण आते हैं जब आप दुविधा में होते हैं, प्लीज आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आप दर्द समझिए किसानों का। सर पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता, पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना जो अंदर तक आ गए। सर लाल आंखें वहां होनी चाहिए, कहां हम आंखें लाल कर रहे हैं। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं, अगर एक दिन इन्होंने हड़ताल कर दी, एक दिन तय कर लिया कुछ नहीं, सर संसद बंद हो जाएगी, सरकारें बंद हो जाएंगी, क्या होगा पता नहीं। इससे पहले कि मैं कहूं जय जवान जय किसान और जय हिंद, माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट का और वह दीजिए, 30-30 सेकंड, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज इतनी सारी चीजें थी। कई लोग इसमें हेरोल लास्की को प्रयोग करते हैं, कहते हैं, कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि लिबर्टी के मसले पर यू नीड टू फाइंड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टाइम एंड अगेन, दैट्स द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, बट वी हैव फेल्ड। किसानों को ही हमने फेल नहीं किया है। और आखिरी सर,
इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही। मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जेल जिंदा जेल। जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर, जय जवान जय किसान।